जो फैन उनको कह रहा था या जो भी है वो मतलब यार गलत है, नहीं, किसी क्रिकेटर को ऐसे नहीं। जो वॉइस है ना कुछ हुआ होगा हो सकता है, नहीं पता, बट आजकल जो भी आप देखो हर चीज सच गलत है। बाबर गलत है, जो लड़के कर रहे थे जो भी हुआ वो गलत है, मतलब अगर ऐसा है तो गलत ही है, कोई उसको डिफेंड नहीं करेगा, और उसमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। अनुप झा जी ने 100 बनाया है तो 3000 दोस्त जुड़े हुए, तो कम से कम 3500 लाइक होने चाहिए। यार देखिए आप लाइक जरूर करें, सब लोगों को पता है कि मेरे दिल में बाबर के लिए कितना प्यार मोहब्बत इज्जत बगावत मतलब बगावत बगावत नहीं मतलब मोहब्बत मोहब्बत है, तो प्यार इश्क और मोहब्बत कितना हाईली रेट करता हूँ मैं इस प्लेयर को। हमेशा मैंने बोला है कि इसके सामने कोई भी टीम आ जाए, चाहे वो इथोपिया हो चाहे मलेशिया हो, नेपाल को ना भूले। देखिए नेपाल नेपाल एक कैटेगरी टीम आ जाती है, नहीं ये तो मजाक की बात है, बाबर आजम एक क्लास प्लेयर है और आज जो सेंचुरी मारी है आपको ये बात माननी पड़ेगी कि 14 चौके और 2 छक्के और अकेला अपनी टीम को लेके पहुंचा हुआ है। यार देखो अब ईमानदारी की बात यह है, पहले तो मजाक चल रहा था लेकिन हमने शुरू में सोच रहे थे हम कि पेशावर जलमी शायद ना पहुंच पाए, और अकेला अपनी टीम को कैरी कर रहा है। अगर आप देखें मेरे ख्याल से इसने उसको पीछे कर दिया होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में बाबर आजम ने एक मरतबा फिर से कोराम बर्पा कर दिया। कल बाबर आजम की टीम जलमी का मैच खेला जा रहा था, बहुत से लोग बाबर आजम पर तनकीद कर रहे थे कि ये T20 का बल्लेबाज नहीं है, लेकिन कल बाबर आजम ने दिखाया कि असल T20 का बैट्समैन किसको कहते हैं। अपना 1100 यहाँ पर बनाया कल बाबर आजम ने, और क्या लाजवाब बल्लेबाजी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ देखने को मिला। 11 खूबसूरत चौके बाबर आजम ने इस इनिंग के दौरान लगा और इसमें छक्के भी शामिल। और यहाँ पर इंडियन मीडिया और विक्रांत गुप्ता का भी रिएक्शन आपने देखा, तो इस वीडियो को आपने दिल से लाइक करना और बाबर के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए आपने